हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एसजी पर। फ्रेंड्स, समाज सेवा में हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम की टोटल सी सैलरी नेक्स्ट जनरेशन लारावेल गेस्ट करते हुए, तो आइए से हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेक्ट रन करेंगे और उसका हम आउटपुट देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो हम ओपन करते हैं सीएमडी, और सीएमडी में जाने के बाद हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में। ई कॉलन, देन यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट जे एस प्रोजेक्ट। देन इसके बाद हमारा है एच एम एस सोशल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। देन यहाँ पर आकर हम रन करेंगे एन पी एम रन डेव, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पर यू आर एल शो होगा, जिसका यूज़ करते हुए हमारा प्रोजेक्ट हम रन करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम रहता है, थोड़ा टाइम लेता है ये, हम यू आर एल आएगा उसके बाद यू आर एल हिट करने पर भी थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारी, और इसके बाद हमें यूआरएल शो होगा। ये देखिए यूआरएल आ चुका है। अब इस यूआरएल को हम करेंगे कॉपी, हिट करेंगे वेब ब्राउजर पर। तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक हमारा जो कोड होगा वो कंपाइल होगा और हमें आउटपुट शो होगा। तो ये देखिए यहाँ पर वेब पेज रन हो चुका है और अब हमारा जो कोड है कंपाइल होना स्टार्ट होगा कुछ टाइम में। देन फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंपाइल हो चुका है और उसका आउटपुट आ चुका है। अगर हम इससे स्क्रॉल डाउन करें तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक बैनर बनाया था, देन बैनर के बाद सर्विस सेक्शन बनाया था, और सर्विस के बाद हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन बनाया था, जिसमें यहाँ पर राइट साइड में हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने एक फॉर्म रेडी किया, मैप इंटीग्रेट किया था, जो था हमारा नेक्स्ट जे एस में। तो आज हम हमारे इस जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसकी जो वैल्यू है उसे डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए एपीआई बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होगा और डेटाबेस के अंदर इसके लिए एक टेबल बनानी होगी। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश पी एच माई एडमिन, जो अभी रन नहीं होगा क्योंकि उसके लिए हमें जेम को सल्लू करना होता है। अभी मैं इसे अगर हिट करता हूँ इस वायरल को तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा। देखिए दिस साइट कैन नॉट बी रिज्ड। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा हमारा जेम सर्वर। जेम सर्वर के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने जेम सर्वर के बारे में बताया कि आप जेम सर्वर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पर इसकी डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमें अब स्टार्ट करना होगा पहला अपाचे, देन सेकेंड स्टार्ट करना होगा माई स्केल। माई स्केल हमारा डेटाबेस होगा और अपाचे हमारा सर्वर है। इन कुछ टाइम के बाद दोनों सर्विस स्टार्ट होने के बाद हमें यहाँ पर उनके पोर्ट नंबर शो होंगे, उसके बाद हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देन देखिए अपाचे का हमारे पास हमने पोर्ट आ चुका है, मतलब अपाचे हमारे स्टार्ट हो चुका है। माइस्कल का भी पोर्ट नहीं आया है, तो माइस्कल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। देन ये देखिए माइस्कल का भी हमारे सामने पोर्ट आ चुका है, मतलब माइस्कल स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए बैकग्राउंड में ये ऑटोमेटिक रीलोड होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड शो होगा। इन कुछ टाइम के लोड के बाद ये ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिखेगा, और नॉर्मल अगर हम लोकल होस्ट लिखते हैं तो हमें अपाचे का डैशबोर्ड दिखेगा, और पीएचएमआई लिखने से हमें डेटा भी दिखता है। ये हमारा अपाचे का डैशबोर्ड है। अगर हम केवल लोकल होस्ट लिखते हैं तो ये हमारा अपाचे का डैशबोर्ड ओपन होता है, और अगर लोकल होस्ट स्लैश पीएचएमआई एडमिन लिखते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो जाता है पीएचएमआई एडमिन। यहाँ पर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे प्रो एचएमएस। देन हम इसे करेंगे क्रिएट। ये हमारा डेटाबेस हो चुका है सक्सेसफुली क्रिएट, और हम उस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है, तो यहाँ पर हमें टेबल बनाना है कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट, और इसमें जो फील्ड रहेगी वो हम देख लेते हैं हमारे फॉर्म में कितनी फील्ड हमने यूज़ की है। तो हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज, चार फील्ड है, 1 2 3 4। तो इसमें हम रखेंगे 5 फील्ड क्योंकि एक आईडी भी रहेगी, और एक और रखते हैं 6 क्रिएटेड एट, किस टाइम क्रिएट हुई थी हमारी रिक्वेस्ट। तो इसमें हम पहली फील्ड देंगे
आईडी, सेकंड होगी नेम, थर्ड होगी ईमेल फॉर मोबाइल नंबर, एंड इसके बाद होगी मैसेज, और यहाँ पर होगी क्रिएटेड एट, और हमें एक और फील्ड की ज़रूरत होगी इसमें अपडेटेड एट की, अपडेटेड एट, और इसे हम रखते हैं वेयर केयर, और इसे भी हम रखेंगे वेयर केयर, देन इसे हम देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट, एंड इसे भी हम देंगे वेयर केयर, वेयर केयर। एंड सभी को हम असाइन करते हैं नल, देन इसे हम रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जिससे ये ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी असाइन हो जाती है, एंड इसके बाद हम करते हैं सेव पर क्लिक, तो हमारी टेबल ऑटोमेटिक होगी क्रिएट। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। अब ये तो हमारा एक तरीका होता है लारावेल में टेबल बनाने का, जिससे आप नॉर्मली बना सकते हैं या आप नॉर्मल कोर पीएचपी में बनाते हैं, लेकिन अगर हम लारावेल यूज़ करते हैं तो लारावेल का एक और तरीका होता है माइग्रेशन। तो अभी हमने नॉर्मल तरीके से बनाई है, इसके आगे हमें अगर ज़रूरत होगी तो माइग्रेशन से बनाएंगे। मेरा इसमें मैनुअली बनाने का रीज़न ये था कि आपको बताना कि लारावेल में आप मैनुअली टेबल ही बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मैनुअली टेबल बना के उसे यूज़ करके बताऊंगा, देन इसके बाद हम जितनी भी टेबल बनाएंगे वो सभी हम माइग्रेशन का यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो ये हमारी केवल एक टेबल है जिसे हम नॉर्मल मैनुअली बना रहे हैं, इसके बाद सारी टेबल्स हम माइग्रेशन यूज़ करते हुए ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेबल बन चुकी है, इसके बाद हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के पहले हमारा प्रोजेक्ट रन करेंगे, तो हम देख लेते हैं हमने हमारा प्रोजेक्ट सेटअप किया था और वो कहाँ पर है, पहले उसके हम लोकेशन देखेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लारावेल का प्रोजेक्ट भी सेटअप कर लिया था जब हमने नेक्स्ट जेएस का किया था। अगर आपने लारावेल का प्रोजेक्ट अभी सेटअप नहीं किया है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको लारावेल प्रोजेक्ट सेटअप करने की प्रोसेस मिल जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं, देन इसके अंदर ये हमारा एच एम एस लारावेल जो प्रोजेक्ट है, तो हम इसे रन करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे सी एम डी पर, यहाँ लिखते हैं सी एम डी, एंड हम जाते हैं बैक, देन यहाँ पे जाएंगे हम जेम्प में, देन उसके बाद जाएंगे एच डॉक, और यहाँ पे हमारे पास एच एम एस लारावेल, देन यहाँ पर हमें रन करने के लिए कमांड यूज़ करनी होगी पी एच पी आर्टिसन सर्व। देन कुछ टाइम के बाद एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट होगा लारावेल का, और हमें एक यू आर एल मिलेगा जिसका यूज़ करते हुए हम हमारा प्रोजेक्ट रन करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है रन हो चुका है और ये हमें यूआरएल मिल चुका है। अब हम इस यूआरएल का यूज़ करते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन करेंगे, यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, तो हमें लारावेल का डैशबोर्ड शो होगा। ये देखिए लारावेल का डैशबोर्ड आ चुका है, ये डिफ़ॉल्ट थीम होती है लारावेल की। जब लारावेल आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट आती है, जब आप भी लारावेल इंस्टॉल करेंगे तो आपको लारावेल 8 में ये थीम बाई डिफ़ॉल्ट मिलती है, लारावेल 8 में होती है थीम। तो अगर आप लारावेल 8 इंस्टॉल करेंगे तो ये थीम मिलेगी, अगर आप लारावेल का किसी और वर्जन को इंस्टॉल करते हैं इसके किसी प्रीवियस वर्जन को तो आपको कोई और थीम मिलेगी, क्योंकि लारावेल 8 से ही इस टाइप की थीम आना स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा लारावेल स्टार्ट हो चुका है, अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हम ओपन करेंगे ई एन वी फाइल, तो इसके लिए हम जाते हैं सी ड्राइव में, देन जेम्प एंड एच टी डॉक, एंड एच टी डॉक के बाद हम जाएंगे एच एम एस लारावेल, और यहाँ पर हमें एक फाइल मिलेगी डॉट ई एन वी, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे डेटा डीबी सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको देना होगा सबसे पहले आपके डेटाबेस का नेम, तो हमारा कॉपी करेंगे यहाँ से डेटाबेस का नेम, वो है हमारा ये वाला, सेम यहाँ करेंगे पेस्ट। सेकेंड हमारा यूज़र नेम रूट है,
और पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लैंक रहेगा, यूज़र नेम बाई डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। एंड यहाँ पर आपको APURL देना है, तो APURL आप ये वाला दे सकते हैं, आप इसे करें कॉपी यहाँ से और इस APURL को यहाँ पे कर दें पेस्ट। तो हमारा ये APURL यहाँ सेट हो चुका है। APURL मतलब आपके जो प्रोजेक्ट है उसका बेस URL। तो यहाँ पर हमने APURL दे दिया है और यहाँ पर हमने डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब हम सेव करेंगे एंड इसे हम रिलोड करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं मतलब हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉपर हो चुकी है। अब हमें API बनाने के लिए एक और टूल की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा पोस्टमैन। तो उसे हमें डाउनलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे गूगल पे लिखें पोस्टमैन क्रोम एक्सटेंशन, देन हिट करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्टमैन का क्रोम एक्सटेंशन मिलेगा। आप इसे यहाँ से अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं या आप इस डैशबोर्ड पाएंगे। ये मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर लॉन्च ऐप लिखा है। आपके इसमें यहाँ पर एड लिखा रहेगा या इंस्टॉल लिखा रहेगा, तो आप इसका यूज़ करते हुए अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तब आप एक नया टैब ओपन करें, देन ऐप सेक्शन में जब जाएंगे आपके ब्राउज़र के, तो यहाँ पर आपको पोस्टमैन का क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप इसे जब डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिक लॉन्च होगा। कुछ टाइम लेता है ऑटोमेटिक, इसके बाद आपका पोस्टमैन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये पोस्टमैन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये हमारा पोस्टमैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। जब आप पोस्टमैन पहली बार स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीका का व्यू दिखेगा। अब हमें इसमें API किस तरह रन करते हैं, तो पहले हम एक डमी API बना लेते हैं और उसे रन करके देखेंगे। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं हमारा VS कोड, देन इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। इसमें हमें ओपन करना होगा हमारा लारावेल प्रोजेक्ट फोल्डर, तो इसके लिए हम करेंगे ओपन फोल्डर और हम जाएंगे सी ड्राइव में जहाँ पर हमने लारावेल इंस्टॉल किया है। देन उसके बाद जाएंगे हम एच टी डॉक और ये हमारा HMS लारावेल, हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये हो चुका है ओपन। अब हमें इसके लिए कंट्रोल की ज़रूरत होगी। कंट्रोलर होता है इसके अंदर, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर फोल्डर में। तो इसमें एक कंट्रोलर बाई डिफॉल्ट है जो कंट्रोलर डॉट PHP है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक और कंट्रोलर बनाएंगे हमारा कस्टम। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल, जहाँ पर हमने टर्मिनल रन किया था हमारा प्रोजेक्ट उसी में जाएंगे। इससे हम टर्मिनेट करेंगे प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए। देन यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर एंड कंट्रोलर का नाम होगा API कंट्रोलर, देन हिट करेंगे तो हमारा API कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद हम वापस हमारा प्रोजेक्ट रन कर देंगे PHP आर्टिजन सर्वर का यूज़ करते हुए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा API कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है, यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन और इसमें हम लिखते हैं टेस्ट API। देन यहाँ पर हम करते हैं एको JSON इंकोड और इसके अंदर हम एक एरे पास कर देते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं स्टेटस ट्रू, देन मैसेज सक्सेस और डेटा में हम यहाँ पे एक एरे पास कर देते हैं। ये हम एक टेस्टिंग API बना रहे हैं किस तरह से हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं और चेक करेंगे हम इसे पोस्टमैन से कॉल करके। देन इसके हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम कॉन्टेक्ट अस की API बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने API बना दी है। अब इस API को बनाने के बाद हमें इसकी राउटिंग करना होती है, तो राउटिंग करने के लिए आपको जाना होगा राउट्स फोल्डर में, देन API.php में, और यहाँ पर आपको राउट बनाना होता है। तो लारावेल में राउट बनाने का इस टाइप का कुछ सिंटेक्स होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ पेस्ट, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है राउट, देन इसके बाद आपकी मेथड होती है गेट या पोस्ट। तो हम अभी गेट टाइप की मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं गेट और उसके बाद होता है आपका राउट, क्या आपको क्या करना है। तो हम स्लैश तो रूट होता है, मतलब अगर आप केवल स्लैश लिखेंगे तो केवल इस URL को हिट करने के बाद आपकी API कॉल हो जाती है, लेकिन अगर आप स्लैश के बाद कुछ और लिख देते हैं जैसे हम यहाँ लिख देते हैं टेस्ट, तो आपको यहाँ लिखना होगा 8000 के बाद स्लैश टेस्ट, तो आपकी API रन होगी। देन यहाँ पर आपको पूरा पाथ देना होता है ऐप स्लैश HTTP कंट्रोलर।
एंड होम कंट्रोलर, तो होम कंट्रोलर नहीं है हमारा, हमारा है एपीआई कंट्रोलर, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर एपीआई कंट्रोलर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एपीआई कंट्रोलर। देन यहाँ पर कॉलन कॉलन क्लास लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है मेथड का नाम कि कौन सी मेथड आपको कॉल करना है। तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे टेस्ट एपीआई मेथड, तो इसे हम करते हैं कॉपी। देन यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, तो ये हमारी टेस्ट एपीआई मेथड कॉल हो जाएगी। एंड इसे हम सेव करके स्लैश टेस्ट लगा के इसे कॉल करके देखते हैं क्या यूआरएल से हमारी एपीआई कॉल हो रही है। तो हम लिखते हैं स्लैश टेस्ट, तो हमारी एपीआई कॉल नहीं होगी, देखिए एरर आएगी हमें, ये देखिए 404 आ चुका है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर एपीआई, एंड हिट करेंगे, तो ये देखिए हमारी जो एपीआई है वो कॉल हो चुकी है और यहाँ पर स्टेटस मिल चुका है। अब हम इस एपीआई को करेंगे पोस्टमैन से कॉल, तो इस यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और हम जाएंगे हमारे पोस्टमैन पर। हमने गेट टाइप की एपीआई बनाई थी, यहाँ पर हमने गेट सेलेक्ट किया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर यूआरएल हमारा पेस्ट करेंगे, और इससे जब हम करेंगे सेंड तो हमारी एपीआई कॉल होगी। देखिए हमारे पास आ चुका है स्टेटस ट्रू, देन मैसेज में सक्सेस, और डेटा हमारा ब्लैंक है। अगर हम इसे यहाँ से जेसन में करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो एक फॉर्मेट में आ जाता है, तो इस तरह से आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पोस्टमैन सेटअप हो चुका है। देन हमने लारावेल भी हमारा सेटअप कर लिया, हमारे डेटाबेस की टेबल बन चुकी है, देन कनेक्टिविटी हो चुकी है, और हमने एक एग्जाम्पल बना के देख लिया एपीआई का कि आप किस तरीके से एपीआई बना सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से कॉन्टैक्ट अस के लिए एपीआई बनाएंगे, जिसका यूज़ करके हमारे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और सुन सकते आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी टाइप के प्रोजेक्ट टूटा अवेलेबल है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।